वेलकम टू लर्न यू जी। दोस्तों, भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स और वायसराय की श्रृंखला के इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड एलिगन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इन चार महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स और वायसराय की श्रृंखला में हम ये चार टॉपिक्स पे आज चर्चा करेंगे। और पिछले महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल्स और वायसराय के वीडियोस को हमने जो वरीयता दी है वो वरीयता दी है एग्जाम्स की दृष्टि से, जो कि एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, उस दृष्टि से हमने वरीयता दी है, ना कि उनके कार्यक्रम के हिसाब से, जो उनका कार्यकाल रहा उस हिसाब से हमने यहाँ पर वरीयता नहीं प्रदान की है। हमने जो वरीयता प्रदान की है वो प्रदान की है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो लॉर्ड एलिगन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, इन टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड एलिगन की। लॉर्ड एलिगन का जो कार्यकाल रहा वायसराय के रूप में, तो वह कार्यकाल रहा 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक। तो लॉर्ड एलिगन का कार्यकाल वायसराय के रूप में 62 से 63 तक रहा। एलिगन के कार्यकाल की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनमें यह था कि एलिगन ने बहावी आंदोलन का दमन किया, साथ ही साथ दासों के व्यापार पर रोक लगाई। दासों के व्यापार पर रोक मतलब जो दास प्रथा थी जिसमें दासों की बिक्री की जाती थी, बिक्री और खरीदी क्रय विक्रय होता था, उस पर रोक लगाई। और बाद में 1863 ईस्वी में लॉर्ड एलिगन की पंजाब में मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं इसके बाद जो कार्यकाल रहा सर जॉन लॉरेंस का, 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक। 1864 से 1869 ईस्वी तक सर जॉन लॉरेंस का कार्यकाल रहा। तो इनके कार्यकाल में मुख्य जो युद्ध हुआ वह भूटान युद्ध था। मुख्य जो युद्ध था वह भूटान युद्ध था, जो कि 1865 में हुआ था। 1865 में सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में भूटान युद्ध संपन्न हुआ और इस युद्ध में भूटान की हार हुई और हार के बाद दोनों के मध्य संधि हो गई। तो भूटान युद्ध में भूटान की हार हुई थी जिसमें दोनों की संधि हुई। और अफगानिस्तान के संदर्भ में आगे बात करते हैं। अफगानिस्तान के संदर्भ में इनके हस्तक्षेप नीति अपनाए जाने के कारण ये एक विशेषता रही इनके कार्यकाल की, जिसको पॉलिसी ऑफ मास्टरली ऑफ अनएक्टिविटी या शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल का ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पॉलिसी ऑफ मास्टरली ऑफ अनएक्टिविटी किसके द्वारा अपनाई गई और किस देश के संदर्भ में अपनाई गई। तो सर जॉन लॉरेंस ने अपनाई थी और किस देश के संदर्भ में अपनाई थी, अफगानिस्तान के संदर्भ में अपनाई थी, जिसको शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच दूर संचार व्यवस्था को गति मिली और दोनों देशों के बीच समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत की गई। तो सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में ही भारत और यूरोप के मध्य, जो यूरोप और भारत के मध्य समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत की गई। और जो वन विभाग, भारतीय वन विभाग की जो स्थापना हुई वह सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में ही हुई। तो सर जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में भारतीय वन विभाग की स्थापना हुई, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बात करते हैं लॉर्ड मेयो के कार्यकाल की। वायसराय के रूप में 1869 से लेकर 1872 तक, मतलब 3 सालों तक लॉर्ड मेयो का कार्यकाल रहा। मेयो के कार्यकाल की जो विशेषताएं थी उसमें यह था विकेंद्रीकरण, मतलब 1870 ईस्वी में मेयो ने भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की और इसने बजट बढ़ाने के लिए, या फिर यह कह सकते हैं कि उस समय जो तात्कालिक बजट के घाटे की कमी को पूरा करने के लिए इसने आयकर में बदलाव करके उसमें 1% की वृद्धि की। तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत भारत में मेयो के द्वारा की गई 1870 में। विकेंद्रीकरण का अर्थ आप इससे केंद्रीकरण का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब इसमें क्या होता है कि कार्य शक्ति और लोगों को या फिर जो चीजें होती हैं उनको अपने स्थान से हटाकर अदला बदली करना विकेंद्रीकरण कहलाता है और इसको पुनः व्यवस्थापित करना केंद्रीकरण कहलाता है। तो जो मेयो ने भारत में विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी 1870 ईस्वी में।
बजट के घाटे की पूर्ति के लिए लॉर्ड मेयो ने क्या किया, आयकर में 1% की वृद्धि की। एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि भारत में पहली जनगणना मेयो के कार्यकाल में ही 1871 ईस्वी में संपन्न हुई, और जो 1871 में संपन्न हुई बाद में यह नियमित रूप से रिपिन के कार्यकाल में संपन्न होने लगी। मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में भारतीय कृषि विभाग की स्थापना की गई। तो कृषि विभाग की स्थापना जो हुई वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई। बंबई और मद्रास में नमक कर की वृद्धि की गई। लॉर्ड मेयो ने एक मेयो कॉलेज की स्थापना की थी अजमेर में। तो मेयो कॉलेज की स्थापना कब, किसके द्वारा और कहाँ की गई, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, जो कि अजमेर में स्थापित हुआ लॉर्ड मेयो कॉलेज। और 1872 ईस्वी में अफगानिस्तान में लॉर्ड मेयो की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसकी हत्या से संबंधित वह है कि भारत में यह पहला वायसराय था जिसकी हत्या उसी के ऑफिस में की गई थी। तो भारत में पहला वायसराय जिसकी हत्या उसी के ऑफिस में हुई थी कौन है, तो भारत का पहला वायसराय जिसकी हत्या उसी के ऑफिस में हुई थी लॉर्ड मेयो है। अब बात करते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक की, जिसका कार्यकाल लॉर्ड मेयो के बाद 1872 से 1876 ईस्वी तक रहा। क्या क्या विशेषताएं नजर डालते हैं, तो इसके कार्यकाल में पंजाब का कूका आंदोलन हुआ। पंजाब में कूका आंदोलन चरम पर था, और बंगाल तथा बिहार में जो अकाल था वह बहुत ज्यादा प्रभावी हुआ, और बंगाल और बिहार में अकाल पड़ा और भारत जो है अकालग्रस्त हुआ। नॉर्थ साइड अगर बात करते हैं, और इधर बड़ौदा के जो राजा थे मल्हार राव गायकवाड़ को 1875 ईस्वी में भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप के कारण नॉर्थब्रुक ने हटाकर गद्दी से इसके दत्तक पुत्र को राजा घोषित कर दिया। तो यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया कुशासन का आरोप लगाकर, जो कि इसने बड़ौदा के जो राजा थे मल्हार राव गायकवाड़, जिनको भ्रष्टाचार और कुशासन के आरोप के कारण गद्दी से हटाकर इसके भाई के दत्तक पुत्र को राजा घोषित कर दिया। लॉर्ड जो नॉर्थब्रुक थे इसके कार्यकाल की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसके कार्यकाल में स्वेज नहर खुल गई, जिससे भारत और ब्रिटेन के मध्य जो व्यापार था वह बहुत ज्यादा बढ़ गया। स्वेज नहर खुली, भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई, और 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड सप्तम भारत की यात्रा पर आए, जो कि इसी के नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में ही संपन्न हुआ। तो 1875 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। 1876 में नॉर्थब्रुक ने गृह नीति के विरुद्ध इस्तीफा दे दिया, अपने कार्यकाल से गृह नीति के विरुद्ध नॉर्थब्रुक ने इस्तीफा दे दिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की महत्वपूर्ण वायसरायस की। हमारे शेष महत्वपूर्ण वायसरायस की चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें। रेगुलर अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जितनी भी सीरीज चल रही है वो आपको रेगुलर रूप से मिलती रहे। लर्न इजी लाइव टेस्ट जो कि शाम को 6 बजे होता है, शाम को 6 बजे से आप लर्न इजी के चैनल पर, या फिर आप अगर बेल आइकन को आपने प्रेस करके रखा है, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखा है, तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगी जिस समय हमारा शाम को लाइव टेस्ट होगा। तो लाइव टेस्ट का हिस्सा बनिए, जिससे आप अपने जो क्षमताएं हैं उनको और अधिक शार्प कर सकें, आप अपनी योग्यताओं को और ज़्यादा बढ़ा सकें, जो कि हमारा शाम को 6 बजे रेगुलर रूप से होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपने सुझाव में कमेंट बॉक्स में बताएं, आप कोई नई सीरीज चाहते हैं तो वो बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।